औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो है वो हमारा 4D का जो है वो टेस्ट था, अकाउंटिंग में सब्जेक्ट है हमारे पास बेटे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। इसमें बेटे बड़ा अहम चैप्टर है जो एनुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर किया जाता है। इसमें जो हमारी डिस्कशन है मेन, वो ये है कि इसमें से एनुअल में एटलीस्ट 1% बनता है और बाज़ का पेपर में देखा गया कि इसमें से 2 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने के लिए आए हुए हैं। तो बेटे इसमें सबसे पहले ए पेपर के एमसीक्यूज हमारे पास, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, तो बेटे ये कस्टमर का जो अकाउंटेंट होता है वो इसको बनाता है। द डेबिट बैलेंस ऑफ बैलेंसेज ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट्स इन कैश बुक आर कॉल्ड। डेबिट बैलेंसेज होते हैं बेटे वो हमारे एसेट्स होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो है द बैलेंस ऑफ द पेटी कैश बुक इज, ये जो बैलेंस पेटी कैश बुक का पड़ा होता है वो हमने चूंकि डिमांड अप करना होता है, इसका हिसाब लेना होता है, तो दैट इज आल्सो योर एन एसेट। एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये बेटे आपका वाउचर होता है। इसके बाद आपके पास डेफिनेशंस हैं, सिंगल कॉलम डबल कॉलम। ये बेटे सिंगल कॉलम में आपको पता सिर्फ आप कैश मेंटेन करते हैं, डबल कॉलम में और ट्रिपल कॉलम में, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में बेटे आप 3 कॉलम्स कैश, डिस्काउंट और बैंक को मेंटेन करते हैं। इसके अरेंजमेंट बेटे इस तरह से होती है, सबसे पहला कॉलम हमारा जो है वो डिस्काउंट का होता है, सेकंड वी ड्रॉ द कॉलम ऑफ कैश एंड द नेक्स्ट वन इज योर बैंक कॉलम एंड द सेम इज फॉर द क्रेडिट। इसके बाद बेटे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है आपके पास, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर अकाउंटेंट टू रिकनसाइल द बैलेंसेज ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। पेटी कैश बुक का बेटे जो टाइनी नेचर के एक्सपेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज करते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स बेटे हमारे ऐसे चेक्स होते हैं जो हम इशू करते हैं, ड्रॉ करते हैं, लेकिन हमारा जो सप्लायर है वो किसी वजह से प्रेजेंट नहीं करता फॉर पेमेंट टू अवर बैंक। हमारे बैंक को जब तक वो प्रेजेंट नहीं करेगा बेटे वो अनप्रेजेंटेड चेक होगा। तो नेक्स्ट बेटे हमारे पास पेपर बी है, स्टेटमेंट विच इज यूज टू रिकनसाइल द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक विद द बैलेंस एज पर द पासबुक इज कॉल्ड, सी ऑप्शन है बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट इसको कहते हैं। The favorable balance of the cash book bank column is debit balance होता है बेटे ये, check issued to a creditor but not presented for payment are called, बेटे payment के लिए जब तक वो present नहीं होते वो unpresented checks होते हैं, C option। The credit balance of the bank account in the cash book is called, अब ये credit balance जो हमारे पास होता है बैंक अकाउंट का कैश बुक में, दैट इज अवर ओवरड्राफ्ट एंड दैट इज अवर लायबिलिटी। नेक्स्ट वन इज डिफाइन चेकबुक है, चेकबुक बेटे बैंक से विदड्रॉ करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज योर चेकबुक। डिसऑनर ऑफ चेक मींस द पेमेंट ऑफ चेक इज नॉट मेड बाय द बैंक ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस, तो बेटे जब पेमेंट मिलने से इनकार हो जाए तो उसको बेटे डिसऑनर ऑफ चेक आ जाता है। डबल कॉलम कैश बुक की जब हम बात करते हैं बेटे, तो दैट इज द देयर आर 2 कॉलम्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन द डबल कॉलम कैश बुक, द वन फर्स्ट वन इज योर कैश कॉलम एंड द अदर वन इज योर बैंक कॉलम। इसी तरह से बेटे क्रेडिट पर भी यही कॉलम ड्रॉ किया जाता है। कॉन्ट्रा एंट्री होती है बेटे, एन एंट्री विच इफेक्ट्स द बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड को भी इफेक्ट करती है, क्रेडिट साइड को भी इफेक्ट करती है। प्रेस सिस्टम होता है बेटे कि वी मेक्स पर्टिकुलर अमाउंट्स टू द कंसर्न पर्संस टू डू द और एक्सपेंस द टाइनी नेचर अमाउंट्स लाइक 40 फॉर शुगर एटसेट्रा। किसी भी सिस्टम में बेटे जब छोटे छोटे खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं तो हम एक लमसम बैलेंस एक शख्स को देके तो उसके बाद उसका हम जो रिटर्न लेते हैं, दैट इज द होल ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड योर एम्प्रेस सिस्टम बेटे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है बेटे जिसमें पासबुक आपको दी गई थी, इसमें बेटे आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, अनकलेक्टेड क्रेडिटेड चेक्स हैं, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक और इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोथ आर फ्यू डिफरेंट। जो इंटरेस्ट चार्ज ना बेटे ये हमारा एक्सपेंस होता है और इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है ये हमारी इनकम होती है। तो इस तरह से बेटे ये आपने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट उम्मीद किया होगा। क्लास में सारी डिस्कशन जो है वो ऑलरेडी हो चुकी हुई थी हमारी, इंशाल्लाह होप सो फॉर द बेस्ट, विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। इसको बेटे एनुअल के लिए खास तौर पे तैयार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।